आज मुहर्रम की 10 तारीख है, आपने देखा पूरे पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। हजरते हुसैन रजी अल्लाह उन्हों की शहादत के नाम पर क्या तमाशे हो रहे हैं, कैसी कैसी रस्में हो रही हैं, औरतों के की भीड़ लगी है, बेहयाई है, फिर अपने जिस्म पर जुल्म हो रहा है, और दुनिया को यह बताया जा रहा है ये इस्लाम है, ये शरीयत है, ये इस्लाम की शक्ल है। दुनिया आज हम पर थूक रही है कि ये इस्लाम है, यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन। पिछले साल एक वीडियो आया था, इराक के अंदर एक इंसान ने अपने बच्चे को इसी मुहर्रम की 10 तारीख को जबा कर दिया था हजरत हुसैन के। छोटे छोटे बच्चों के को आंख पर लिटाया जा रहा है, सीने छलनी किए जा रहे हैं, औरतें बेपर्दा होके सर खुले हैं, गरेबान खुले हैं और अपने सीने पीट रही हैं, और कहा जाता है ये अहले बैत की मोहब्बत है, ये हुसैन की मोहब्बत है, ये इस्लाम है। दीन से दूर हो गए मेरे प्यारे साथ, हम जलील क्यों ना होंगे। दीन दो चीजों का नाम है, एक रब का कुरान, एक मुस्तफा का फरमान। मेरे नबी ने फरमाया तरक तो फी कुम शई ऐन लन तजिल्लू बाद हुमा, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। कौन सी दो चीजें हैं? किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। आज उम्मत इन दोनों से दूर होगी, गुमराह क्यों नहीं होगी, जलील क्यों नहीं होगी, रुस्वा क्यों नहीं होगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अपने गवर्नर हजरत अबू उबैदा को चिट्ठी लिखी, खत लिखा, और उस खत में लिखा ऐ अबू उबैदा कुन्ना अजल्लो कौमिन, हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे, हम गिरे पड़े लोग थे, जलील कौम थे, दुनिया में हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिहाज़द्दीन, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के जरिए हमें इज्जत दी है। फ़महमा नतलुबुल इज्जत फी गैरिही, हम दीन को छोड़ करके जहां भी इज्जत तलाश करेंगे अज़ल्लनल्लाह, अल्लाह दोबारा हमको जलील और रुसवा कर देगा। आज हमने दीन को छोड़ दिया, हमने इज्जत तलाश की दुनिया के चक्करों में पड़ करके, और दुनिया के रस्म और रिवाज के चक्कर में पड़ के, और दुनिया की अंधी तकलीद में पड़ करके आज हम बर्बाद हो गए, जलील और रुस्वा हो गए। मेरे प्यारे साथियों, दीन से दूर होने की वजह से भी हम जलील हो गए।